आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कंप्रेसर के बारे में बताने वाले हैं। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, कंप्रेसर मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रिकल है, कंप्रेसर के नीचे जो रबड़ लगा तो उसका क्या कार्य, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से इसका डायग्राम बना चुका है। डायग्राम बनाने के साथ साथ हमने लिख भी दिया है कंप्रेसर का कार्य क्या है, कंप्रेसर मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रिकल है, कंप्रेसर कार्य कैसे करता है, कंप्रेसर के नीचे जो रबड़ लगा होता है उसका क्या कार्य, उसको क्यों लगाया जाता है, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेसर क्या है पहले बताएंगे। कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मोटर है। देखा जाए तो कंप्रेसर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों होता है। कंप्रेसर एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट से विद्युत से चलने वाला एक मोटर है, एक मशीन है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है, इसी के द्वारा पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। अब कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है या कैसे काम करता है, सब कुछ कंप्लीट बताएंगे। जैसे कि कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर एक मोटर वाइंडिंग किया गया है, जैसे इसमें लाइट के सप्लाई को दिया जाता है, जैसे जब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को दिया जाता है रिले और ओएलपी लगाकर, तब क्या होता है कंप्रेसर वर्क करना चालू कर देता है। कंप्रेसर वर्क करने का मतलब होता है यहाँ से एक सक्शन लाइन होती है, एक चार्जिंग लाइन होती है और एक डिस्चार्ज लाइन होती है। सक्शन लाइन होती है, चार्जिंग लाइन होती है और एक डिस्चार्ज लाइन होती है, यह अपना काम करना शुरू कर देती है। अब सक्शन लाइन का क्या कार्य, डिस्चार्ज लाइन का क्या कार्य, चार्जिंग लाइन का क्या कार्य, सब कुछ कंप्लीट बताएंगे। पहले हम जानते हैं कि कंप्रेसर है क्या। कंप्रेसर एक मोटर है, इसके अंदर एक मोटर लगा होता है। जैसे कि हम कंप्रेसर को पहले से काट कर यहाँ पे रखे हैं, आपको पहले यहाँ पे कंप्रेसर को दिखा दें, ये देखिए कंप्रेसर है, यहाँ पे देखेंगे एक मोटर है। अभी इस मोटर को हम निकाल कर दिखाएंगे, कंप्रेसर को यहाँ आप देखेंगे कंप्रेसर के अंदर का मोटर, एक कंप्रेसर के अंदर का मोटर है। इस मोटर के अंदर देखेंगे यह रोटर लगा होता है, यह रोटर है, एक वीडियो में हमने बनाया है। तो कंप्रेसर के अंदर रोटर होता है, इसके यहाँ पे देखेंगे तो कंप्रेसर के नीचे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक पिस्टन और सिलेंडर लगा होता है, यह सिलेंडर और पिस्टन होता है। यहीं से क्या होता है, यह पंपिंग करना चालू कर देता है, यह पंपिंग करता है। जब यह चलता है तो यहाँ से हाई प्रेशर के द्वारा गैस या प्रेशर निकलता है। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे, इस कंप्रेसर को यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो इसी कंप्रेसर के अंदर ये जो पार्ट अभी हमने दिखाया वही लगा था। तो कंप्रेसर की तुलना देखें तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर का मेन काम होता है पंपिंग करना। तो कंप्रेसर क्या करेगा, जब रोटर स्टेटर चलने लगता है तो वह पंपिंग करना चालू कर देता है, अर्थात वह सक्शन और डिस्चार्ज का काम करना चालू कर देता है। सक्शन का मतलब होता है हवा को अंदर खींचना, डिस्चार्ज का मतलब बाहर करना। तो जो कंप्रेसर होता है एक पंप की तरह काम करता है। कंप्रेसर जो होता है, यहाँ पे आपको बता दें, कंप्रेसर जो होता है एक पंप की तरह काम करता है। कंप्रेसर एक पंप की तरह काम करता है। कंप्रेसर भी ये जैसे देखिए पंप है, पंप के ऊपर आप देखेंगे छोटा सा होल होता है, एक सुराख किया जाता है चाहे ऊपर या नीचे, और यहाँ पे एक इसका हैंडल बना होता है जिसके द्वारा हम इसको पंपिंग करते हैं। यहाँ पे एक वार्सल लगा होता है, वार्सल लगाता है और यह इसकी पाइप होती है, इसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है सक्शन लाइन। इसको बोला जाता है सक्शन लाइन। यह क्या करता है, जैसे देखिए जब कंप्रेसर को ऑन किया जाता है तो यह पंपिंग करना चालू कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पंप है, पंप को जब चालू किया जाता है, जब पंप को चलाया जाता है तो यह पंपिंग करना चालू कर किया जाता है। तो यह क्या करता है, यह सक्शन और डिस्चार्ज का काम शुरू कर देता है। जैसे देखिए यह सक्शन से हवा को खींच कर और डिस्चार्ज के माध्यम से बाहर कर देता है, वही काम कंप्रेसर भी करता है। सक्शन लाइन से हवा को खींच कर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर कर देता है।
अब देखिए कंप्रेसर जब यह पंप चलता है इसके नीचे का सिलेंडर क्या होता है गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जो प्रेशर निकलता हुआ भी है कफ का गर्म ही रहता है। उसी तरह इस कंप्रेसर के अंदर भी वही हाल होती है। जब कंप्रेसर को ऑन किया जाता है तो यह जब पंपिंग करेगा इसके अंदर का जो रोटर है स्टेटर है जब चलने लगता है तो यह क्या करता है या इस पूरा सिस्टम पूरा कंप्रेसर गर्म हो जाता है जिसके वजह से जब इसके अंदर की जो गैस है वह भी गर्म निकलती है। उसकी वजह से यह गैस गर्म निकलती है। देखा जाए तो कंप्रेसर का मेन काम होता है पंपिंग करना। कंप्रेसर कभी कभी आप सुने भी होंगे कंप्रेसर बहुत से लोग जो कारीगर होते हैं बोलते हैं कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो गई। इसका मतलब जो इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर लगा होता है उसके अंदर का जो व्यास होता है वह बढ़ जाता है। उसके अंदर का जो व्यास होता है बढ़ने की वजह से उसका पंपिंग डाउन हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे जो पंप है अगर पंप का वार्सल खराब हो जाए इस पंप का वार्सल अगर खराब हो जाए तो क्या करेगा इसकी भी पंपिंग डाउन मानी जाएगी। जो भी कार्य रहेगा आगे मतलब हवा को भरना हो आप भर नहीं पाएंगे। उसी तरह जो कंप्रेसर होता है अगर इसकी पंपिंग डाउन हो जाए तो जो भी आगे जो भी गैस जा रही है वो हाई प्रेशर से नहीं जाएगी तो सिस्टम हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। इस अवस्था में इस कंप्रेसर को क्या किया जाएगा चेंज किया जाएगा। ये रिपेयर भी होता है। अगर आप रिपेयर करना जानते हैं इसके कंप्रेसर की पंपिंग को चेक करिए उसको बनाइए नहीं तो क्या करिए सीधा इसको क्या करेंगे आप नया लगा देंगे इस कंप्रेसर को। ये जो फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है फ्रिज में जो कंप्रेसर लगा होता है उसका नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब देखिए दूसरा जो सवाल है कंप्रेसर का कार्य होता है सक्शन लाइन से हवा को खींचकर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से आगे की तरफ भेजना जैसे कंडेंसर में फिल्टर में कैपिलरी में इवेपोरेटर में। अर्थात यह भी कह सकते हैं कंप्रेसर का मेन काम होता है सक्शन लाइन से लो प्रेशर को खींचकर डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर में भेजने का काम करता है कंप्रेसर। उसके बाद दूसरा है कंप्रेसर मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल। देखिए कंप्रेसर मैकेनिकल भी होता है इलेक्ट्रिकल भी होता है क्योंकि कंप्रेसर में लाइट की सप्लाई भी दी जाती है और कंप्रेसर में गैस भी घूमता है इसलिए कंप्रेसर जो होता है मैकेनिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल भी होता है। उसके बाद कंप्रेसर कार्य कैसे करता है कंप्रेसर कार्य पंपिंग के द्वारा करता है मतलब उसके अंदर जो रोटर लगा स्टेटर लगा है जब वह चलने लगता है तो उसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर लगा है वह भी घूमने लगता है वह पंप करना चालू करता है अर्थात सक्शन और डिस्चार्ज करना चालू कर देता है मतलब वह घिसना और फेंकना चालू कर देता है वैसे काम करता है। उसके बाद कंप्रेसर के नीचे लगे हुए रबड़ क्यों लगाया जाता है जैसे कि कंप्रेसर के नीचे जो रबड़ लगा था उस रबड़ का नाम होता है ग्रोमेट रबड़ होता है। वह रबड़ इसलिए लगा जाता है कि जब कंप्रेसर चलता तो वह वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेट को कम करने के लिए उसके नीचे रबड़ लगा होता है। चार रबड़ लगे होते हैं उस रबड़ के द्वारा यह कंप्रेसर क्या होगा आवाज कम करेगा। अगर इसको ना लगाया जाए तो फिर इससे आवाज आने गड़गड़ की आवाज आएगी जैसे हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज आना शुरू कर देगी इसलिए इसके नीचे रबड़ लगाया जाता है ताकि यह इसके वाइब्रेट को कम कर सके इसलिए कंप्रेसर के नीचे रबड़ लगाया जाता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपको थैंक यू।